वेलकम बैक स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड सेफ। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में बिजनेस रिस्क के बारे में पढ़ा था, यानी कि बिजनेस रिस्क क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं और उसका क्या नेचर होता है। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। किन वजहों से, क्या ऐसे फैक्टर्स रहते हैं, क्या कॉजेज रहते हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि हमारे बिजनेस में इस तरह का रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, किन की वजहों से हमारा रिस्क इन्वॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो नंबर वन है हमारा नेचुरल कॉजेस। एस जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, नेचर। नेचुरल कॉज का मतलब हो गया कि जैसे कोई फ्लड, अर्थक्वेक या फिर कोई तूफान आ गया। ठीक है, जैसे कि आजकल देख रहे हैं गुजरात में और जो महाराष्ट्र साइड में जो ये तूफान आया हुआ है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में कोई नेचुरल कैलामिटी हो रही है, डिजास्टर हो रहा है, तो उस जगह का मार्केट इफेक्ट करेगा, क्योंकि कस्टमर्स क्या करेंगे, जाहिर सी बात है कि सबसे पहले खुद को सेव करेंगे या वो मार्केट में जाएंगे या शॉपिंग करेंगे। तो एक लॉन्ग टर्म में क्या होता है, बिजनेस पे हमारे असर पड़ता है। तो जब हमारी सेल नहीं होगी, जब वो जो लोग वहाँ पर शॉप्स, जिनकी मार्केट्स हैं, जो इफेक्टेड एरिया है, वहाँ क्या होगा, वो लोग क्या करेंगे, शॉप्स क्लोज करेंगे। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि बिजनेस पे असर पड़ेगा, बिजनेस को लॉस होगा। तो ये हमारा पहला कॉज होता है, यानी कि नेचुरल कॉज होता है, जिसको हम कंसीडर करते हैं कि ये कभी भी हो सकता है। और इस पर जो कंट्रोल होता है, ह्यूमन कंट्रोल, बहुत कम कंट्रोल, क्योंकि अर्थक्वेक आ जाए या फ्लड आ जाए तो इस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जब जिस टाइम पर जो नेचुरल डिजास्टर आना है वो तो आकर ही रहेगा, उसकी वजह से हमारा रिस्क जो है बिजनेस में वो बढ़ जाता है और हमें लॉस होने लगता है, राइट। सेकेंड है हमारा ह्यूमन कॉज। ह्यूमन कॉज जैसे कि हम देखें कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सपोज एक कह सकते हैं कि डिसऑनेस्टी एक इसमें रीज़न हो सकता है बिजनेस रिस्क। अब इसको कैसे समझेंगे हम, कुछ लोग होते हैं जो अपना काम ईमानदारी से करते हैं फर्म में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, और डेडिकेटेड होते हैं अपने काम की तरफ और अपने एम्प्लॉयर को वो सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्टी कर जाते हैं। अब डिसऑनेस्टी भी किस तरह की हो सकती है, या तो वो काम में डिसऑनेस्टी कर जाएँ या फाइनेंशियल टर्म्स में डिसऑनेस्टी कर जाएँ, यानी कि बेईमानी कर लें या कोई फ्रॉड कर दें, तो वो ये ह्यूमन कॉज में आ जाता है हमारा रिस्क। यानी कि ये रिस्क जो है किसकी वजह से आ रहा है, जो लोग काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में इसमें। दूसरा है, आप देख सकते हैं कि स्ट्राइक्स, रियॉड्स, पावर फेलियर। इसका क्या मतलब हुआ कि सपोज़ के किसी फर्म में या किसी फैक्ट्री में कोई जिसे वर्कर्स होते हैं वो अगर सेटिस्फाई नहीं है जो एम्प्लॉयर उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, या जो एम्प्लॉयर उनको सैलरी दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं, उससे अगर वो सेटिस्फाई नहीं है तो वो क्या एक यूनियन बना लेते हैं अपनी, और एक ग्रुप में एक कलेक्ट एक जगह होकर क्या करते हैं, स्ट्राइक करते हैं। स्ट्राइक से क्या होता है, फिर उस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का या फैक्ट्री का जो काम होता है, प्रोडक्शन होता है, वो रुक जाता है। रुक गया अल्टीमेटली तो हमारा प्रोडक्शन, जब रुक गया तो हमारी प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ, प्रोडक्ट तैयार नहीं हुआ तो मार्केट में नहीं आया, और मार्केट में नहीं आया तो सेल नहीं हुई, अल्टीमेटली रिस्क बढ़ गया और लॉस हो गया। और जो कॉम्पिटिटर्स थे वो अपना प्रोडक्ट मार्केट में ला रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सारा प्रॉफिट उनको हो रहा है। तो ये कॉज हो गया, ह्यूमन कॉज। दूसरा हो गया जैसे कि राइज इन प्राइस हो गया, ये एक्सटर्नल फैक्टर्स हो गए। नंबर थर्ड है इकोनॉमिक कॉज। ये कॉज क्या होता है, इकोनॉमिक कॉज, सपोज इसमें देखिए, दीज इंक्लूड अनसर्टेनिटीज रिलेटिंग टू डिमांड फॉर गुड्स, कॉम्पिटिशन, प्राइस, कलेक्शन ऑफ ड्यूज फ्रॉम कस्टमर्स। इसमें हम क्या समझते हैं इससे कि जैसे कि डिमांड, अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है, सपोज जैसे कि पहले के टाइम में जो हमारे कीपैड सेल फोन्स होते थे वो कीपैड बेस्ड होते थे, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे एंड्रॉयड टच मोबाइल हमारे आने लगे, स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन के मोबाइल आने लगे, तो ज़्यादातर सब लोगों ने क्या करा, शिफ्ट कर दिया अपना डिमांड उस कीपैड मोबाइल से एंड्रॉयड फोन्स की तरफ, स्मार्टफोन्स की तरफ। तो इससे क्या हुआ, डिमांड में उसकी गिरावट आई, ये एक तरह का बिजनेस रिस्क हो गया, बिजनेस लॉस हो गया, और जो कॉम्पिटिटर्स थे, जो राइवल्स थे, दूसरे कॉम्पिटिटर्स जो थे, उन्होंने अपना एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद उस जो पहले चलने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस कंसर्न या कोई मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न थी, उसका क्या हुआ, लॉस होने लगा। तो ये एक तरह का रिस्क बिजनेस में रहता है। ये किसके अंदर आ गया, इकोनॉमिक कॉज।
अब कंपटीशन ले लिए, ये भी इसी से रिलेट करता है कि अगर हमारा प्रोडक्ट जो है वो सामने वाले जो कंसर्न, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन है, जो यूनिट है जो बना रही है, उसका अगर अच्छा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, यानी कि मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के बेहतर उसकी सेल हो रही है उसके प्रोडक्ट की, तो ये कंपटीशन एक कॉज हो गया, यानी कि कंपटीशन चल रहा है प्रोडक्ट्स के बीच में, उनकी सेल आउट ज़्यादा हो रही है जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनकी सेल आउट कम हो रही है, तो उससे क्या हुआ, डिमांड जो हमारे प्रोडक्ट की गिर गई, और वो लोग जो है अपना कॉम्पिटिशन में रहेंगे और मार्केट को अच्छे से कैप्चर कर लेंगे, यानी कि उनका प्रोडक्ट जो है मार्केट में ज़्यादा सेल आउट होने लगेगा, इसे हम बोलते हैं कॉम्पिटिशन। इसमें और भी पॉइंट्स हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लाइक इंटरेस्ट रेट फॉर बोरोइंग, लेवाई ऑफ हायर टैक्सेस ऑल्सो। इसमें क्या है कि फाइनेंशियल बोरोइंग, जैसे कि हम कोई प्रोड्यूस करते हैं अपना प्रोडक्शन, जब हम कंटिन्यू करते हैं, कभी कभी क्या होता है हमारे वर्किंग कैपिटल शॉर्ट हो जाती है। वर्किंग कैपिटल क्या होती है, जो हमारे कैश इन हैंड होता है या रॉ मटेरियल होता है, अगर शॉर्टेज हो जाए उसकी, तो हम क्या करते हैं, बोरो कर लेते हैं, और जिस टाइम हम बोरो करते हैं तो हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है उस बोरोइंग पे, वो पैसा जो हम उधार ले रहे हैं बैंक से या किसी जो लेंडर्स होते हैं, मनी लेंडर्स, उनसे, तो उस पर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ता है हमें। अब जब हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोडक्शन पर भी असर पड़ेगा, हमारा कॉस्ट हमारी ज़्यादा लगेगी, ज़्यादा लागत हमारा वो सामान, यानी कि हम जो खरीद रहे हैं वो हमें महंगा पड़ रहा है, ठीक है। तो हाँ, क्योंकि हमें उनका प्रिंसिपल अमाउंट तो वापस करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें क्या करना है, वापस इंटरेस्ट भी देना है। सपोज हमने 10 लाख का किसी से बोरोइंग की और उस पर हमने 10% पर एनम हमने इंटरेस्ट उसको पे करना है, तो 10 लाख वो प्लस 10 लाख का 10% कितना हो गया, 1 लाख इंटरेस्ट के साथ हमें उसका वो पैसा वापस करना है अगले साल, तो हमें 10 लाख की जगह क्या देना पड़ रहा है, 11 लाख रुपये देना पड़ रहा है। तो ये इसका एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि एक ये भी रिस्क रहता है बिजनेस में, जिसकी वजह से हमें लॉस हो जाता है, वो तब होता है अगर हमारे पास कैश शॉर्ट हो, यानी कि हमारे पास एक रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल ना हो, ठीक है। दूसरा, नंबर फोर्थ है हमारा अदर कॉजेस। ये ऐसे कॉजेस आ गए जिनको हमने मिसलिनियस में रखा है। मिसलिनियस यानी कि जो पिछली तीन कैटेगरी थी, जैसे नेचुरल कॉज था, इकोनॉमिक कॉज था और ह्यूमन कॉज था, वो इस कैटेगरी में फिट नहीं होते हैं, तो हम उन्हें अदर कॉजेस में करके लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, दीज आर अनफॉर्सीन इवेंट्स लाइक पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, मैकेनिकल फेलियर्स सच एज द बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, फ्लक्चुएशन इन एक्सचेंज रेट एटसेट्रा, विच लेड टू द पॉसिबिलिटी ऑफ बिजनेस रिस्क। पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, हम कह सकते हैं कि सपोज कोई पार्टी है या कोई रूलिंग पार्टी, जैसे मान लीजिए है, या अपोजिशन पार्टी है, और वो लोग रूलिंग पार्टी के जो मैनिफेस्टो है, जो वर्किंग चल रही है, उससे खुश नहीं है, तो वो क्या करते हैं, धरना दे देते हैं एक जगह बैठकर कि नहीं, ये जो हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही हैं, या आप सही से काम नहीं कर रहे हैं, तो उसके चलते हुए अगर सब लोग एक जगह हो जाते हैं और बोल देते हैं कि नहीं, आज मार्केट्स बन रहेंगी, शॉप सारी बन रहेंगी इस पर्टिकुलर एरिया की, तो क्या होता है, उससे हमारे बिजनेस कंसर्न पे असर पड़ता है। और वो ज़रूरी नहीं है कि 1 या 2 दिन के लिए हो सकता है, वो 8 दिन चले, 10 दिन चले, वो भी एक तरह का क्या होता है, स्ट्राइक ही समझ लीजिए। तो ये पॉलिटिकल इशू से अगर कुछ हमें हो रहा है नुकसान, बिजनेस में रिस्क हो रहा है, तो वो अदर कॉजेज में आ जाता है। तो ये हमारे बच्चों 4 तरह के कॉजेज थे जो हमने पढ़े, बिजनेस में जो रिस्क होता है उसके कॉजेस थे ये 4 टाइप्स। अब बात आती है कि इन रिस्क, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि बिजनेस रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, टोटली खत्म नहीं कर सकते, मगर हम लोग उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मिनिमाइज, वो इस आप देखिए इस चार्ट में आपको शो हो रहा है, मेथड्स ऑफ डीलिंग विद रिस्क। क्या मेथड्स होते हैं जो रिस्क, हमारे ये 4 तरह के रिस्क हैं, इनको कैसे हम डील कर सकते हैं। इसमें देखिए नंबर ए दिया हुआ है, ए पॉइंट है हमारा, डिसाइड नॉट टू एंटर इनटू टू रिस्की ट्रांजैक्शन। इसका बच्चों क्या मतलब हुआ कि जो बहुत सारे रिस्क, बहुत ज़्यादा अगर हमें लग रहा है कि ये रिस्की है, हम इस मार्केट में अपना पैसा लगा रहे हैं, या इस प्रोडक्शन कंसर्न में इसको हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट को, और हमें लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा नहीं चलेगा, तो डिटेल्ड स्टडी और एनालिसिस करने के बाद हम उसको उस एक कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं कि नहीं, हमें यहाँ पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ हाई डिग्री ऑफ रिस्क हमें दिख रहा है। तो ये एक तरीका है हमारा बिजनेस रिस्क को क्या करने का, डील करने का। नेक्स्ट है देखिए, टेक प्रिवेंटिव मेजर लाइक फायर फाइटिंग डिवाइसेस टू रिड्यूस रिस्क। इसका क्या मतलब हुआ कि हमें प्रिवेंटिव मेजर, इसी बात है, जब हम किसी कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हमें वहाँ पर ऐसे तरीके, ऐसे सुविधाएं होनी चाहिए कि अगर वहाँ पर आग लगती है तो उस केस में हमें क्या करना चाहिए, तो वहाँ डिवाइसेस जैसे होती हैं फायर प्रिवेंटिव डिवाइसेस, वो हमें इंस्टॉल करानी चाहिए। थर्ड है, टेक इंश्योरेंस पॉलिसी
टू ट्रांसफ़र रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी। कभी क्या होता है, हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न, बहुत जगह सुना होता है कि हमने के गोडाउन में आग लग गई, इस पर्टिकुलर इस फैक्ट्री में आग लग गई, इस प्लांट में क्या हुआ, वर्स्ट हो गया या कुछ, बहुत तरह के लॉसेस हमने आप सुनने में आते हैं हमारे। तो क्या होता है कि हम जब उसका अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न का या फैक्ट्री का क्या करते हैं, इंश्योरेंस करा लेते हैं। उससे क्या होता है कि पर एक अमाउंट हमें रेगुलर अमाउंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना होता है मंथली। इन केस अगर हमारे फैक्ट्री में अनफॉर्चुनेटली कोई लॉस होता है फायर से, ठीक है, तो वो जो सारा लॉस है वो फिर वो इंश्योरेंस कंपनी रिकवर कराती है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अज्यूम रिस्क बाय मेकिंग प्रोविजन इन द करंट अर्निंग सो इज एज द केस ऑफ प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। उसके बाद है शेयर रिस्क विद अदर एंटरप्राइजेस एज मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेलर्स में डू बाय अग्रीइंग टू शेयर लॉसेस व्हिच मे बी कॉज्ड बाय फॉलिंग प्राइसेस। इन इसका मतलब समझ लीजिए, पॉइंट डी का क्या हुआ इसमें, जैसे कि हमने देखा कि हमारी स्टार्टिंग में जो प्रॉफिट है वो अच्छा खासी हमें प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि उस प्रॉफिट का कुछ पर्टिकुलर अमाउंट उठाकर हम सेव करके रख देते हैं फॉर बैड एंड डाउटफुल रिजर्व। या आप अकाउंट्स में भी पढ़ेंगे कि डाउटफुल डेब्ट क्या होते हैं, हम एंटिसिपेट करते हैं पहले से कि हमें ये हो सकता है कि लॉस हो जाए, तो वो हम लॉस कहाँ से रिकवर कर लेते हैं, बैड एंड डाउटफुल डेब्ट से, उस प्रोविजन से। प्रोविजन करना मतलब पहले से एंटिसिपेट कर लेना, मान लेना कि ये लॉस हो सकता है तो हम उसके लिए पैसा सेव कर लेते हैं। लास्ट जो था, जैसे कि हमने देखा कि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर्स क्या करते हैं, अगर कि प्राइस में जो चेंज आ रहा है और उससे डिमांड पर असर पड़ रहा है और उसकी वजह से जो बिजनेस लॉस होता है उसको क्या करते हैं मैन्युफैक्चरर्स और डीलर्स जो हैं वो होलसेलर्स आपस में मिलकर उस रिस्क को मिनिमाइज़ कर लेते हैं, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से अपने वो रिस्क को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ मैथड्स हैं हमारे जो हमने पढ़े कि जिनसे रिस्क जो है डील हो सकता है पर टोटली एलिमिनेट नहीं हो सकता। लेकिन हम अगर अपना डिटेल स्टडी करते रहें, एनालिसिस करते रहते हैं, मार्केट सर्वे करते रहें, तो हमें पता लग जाता है कि हमारा मार्केट में प्रोडक्ट जो है कितनी टाइम तक सर्वाइव कर पाएगा और हमें कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये सारे हमारे बिजनेस कॉजेज, बिजनेस रिस्क थे और हमने मैथड्स भी उसके पढ़ लिए। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ेंगे कि, तो ये हमारे कॉजेस थे बिजनेस रिस्क के और कुछ मैथड्स थे जो हमने डिस्कस किए कि कैसे बिजनेस रिस्क को डील किया जा सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो क्या हमारे बेसिक फैक्टर्स होते हैं विच वी हैव टू कीप इन अवर माइंड व्हाइल वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर बिजनेस, राइट। ओके, थैंक यू।